नमस्कार, मी किरण रोहिदास, शहरातील ठळक घडामोडींचा आढावा घेणाऱ्या व सत्याला वाचा फोडणाऱ्या तसेच आपल्या सर्वांच्या हिताचे रक्षण करणाऱ्या शिवनेरी न्यूजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत. पाहूयात काही ठळक घडामोडी. सद्भावना वेलफेअर सोसायटी आयोजित कार्यक्रम मोठ्या जल्लोषात पार. सद्भावना वेलफेअर सोसायटी आयोजित कार्यक्रम मोठ्या जल्लोषात पार. बहुत ही नई काम आपने किया है. आप हर साल बुलाते हैं और मैं नहीं आ पाती, लेकिन इस बार मैंने आपसे कहा था अगर मैं बंबई रहूँगी तो जरूर आऊँगी. राजू भाई के साथ इस प्रोग्राम में आके बहुत दिल से खुशी हुई. और साहब ने कहा हुआ जो एक सूत्र हमने किया है कि 80% समाज नीति कीजिए और 20% राजनीति कीजिए. मुझे लगता है ये पहल आपने की है यहाँ और बहुत उम्मीद के साथ यहाँ बच्चे आए हैं. ये ऐसी चीज आप दे रहे हो कि ये कोई किसी से छीन नहीं सकता. एक पढ़ाई है जो हमें एक अच्छा इंसान बनाती है. हर चीज हमसे कोई छीन सकता है, लेकिन हमारा ज्ञान जो है वो हमसे कोई नहीं सीख सकता. माध्यम से तो आप अच्छा काम कर रहे हैं और आपके सद्भावना कष्ट से भी बहुत अच्छा काम आगे भी हो, लोगों की मदद हो, मेरी दिल से दुआ यही होती हूँ. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी चांदिवली तालुका सद्भावना वेलफेअर सोसायटी आयोजित कार्यक्रमात प्रेसिडेंट राजू रायांसोबत चांदिवली तालुका अध्यक्ष बाबू बतेली, महाराष्ट्र महिला अध्यक्ष चित्राताई वाघ तसेच सलीम मफखान, ॲडव्होकेट जलालुद्दीन, मुनाफ हकीम, अब्बास कॉन्ट्रॅक्टर, डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा, हर्षद अमीर तसेच कार्यकर्ते यांच्या उपस्थितीत पार पडला. आज खरं तर मी इथे साकीनाक्याला आली आहे. आमच्या मुंबई राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सरचिटणीस जे आहेत राजूभाई, त्यांच्या सद्भावना ट्रस्टच्या माध्यमातून गरजू मुलांना, विद्यार्थ्यांना वह्यांचं वाटपाचा कार्यक्रम, काही मुलांना स्कॉलरशिपचा कार्यक्रम, एवढंच नाही तर काही गरजू महिलांना शिवणयंत्राचं वाटप असा हा अतिशय चांगला असा कार्यक्रम आहे. आणि गेली 12 वर्ष सातत्याने हा कार्यक्रम राबवला जातो आहे. आणि या कार्यक्रमाला आमचे नेते मुनाफ हकीमजी, ज्यांनी मायनॉरिटीचे अध्यक्ष ते राहिलेले आहेत, त्याचबरोबरीने सलीम माफखान माझ्यासोबत, पक्षाचे तालुक्याचे अध्यक्ष बाबू बतेली आणि इतर सारेच मान्यवर इथं आलेत. हा कार्यक्रमच असा आहे की चुकवू नये असा कार्यक्रम. आणि खरोखर आमचे नेते आदरणीय पवारसाहेबांनी जे सांगितले आहे की 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण, या धर्तीवर पक्षातील आम्ही सगळेच कार्यकर्ते हे काम करत असतो. आणि आज राजूभाईच्या माध्यमातून, या कार्यक्रमातून हे सिद्धही झालं आहे. आमचे सगळेच कार्यकर्ते, मग अगदी बाबू असेल किंवा बाकीचे सगळे सहकारी असतील, विविध लोकांना उपयोगी पडतील, लोककल्याणकारी असे कार्यक्रम सतत राबवत असतात. आणि आज मला या कार्यक्रमाला यायला आनंद, म्हणजे आज संधी मिळाली ही खरंच माझ्यासाठी पर्वणी आहे. आज हम लोग जो प्रोग्राम के लिए यहाँ पर आए हैं, सद्भावना वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से जो यहाँ बुक बांटने का कार्यक्रम हो रहा है और जो सिविंग मशीन, सिलाई मशीन जिसे हम कहते हैं, जो वो प्रोग्राम हो रहा है, तो एक ये बहुत अच्छा काम है. क्योंकि एक पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि आपसे कोई छीन नहीं सकता है, और पढ़ाई का माध्यम जो है वो ये बुक है. और यही चीज़ जो सद्भावना वेलफेयर सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट हैं राजुल्ला राहिन जी, वो बांट रहे हैं और लोगों की यहाँ मैं देख रहा हूँ कि पिछले 12 साल से काफ़ी मदद कर रहे हैं. अभी मैंने देखा कि कुछ जो हमारे महिलाएं, हमारी बहनें हैं, उनको उन्होंने जो स्विंग मशीन देने का काम किया है वो इसके लिए ये करके दिया है कि आपको कल किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है और आप अपने बच्चों की फ़ीस और सब आराम से कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा काम है अपने आप के अंदर. सद्भावना वेलफेयर सोसायटी च्या वतीने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते राजूला राहीन यांनी हा जो गरजू विद्यार्थ्यांसाठी कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे, या पाठीमागचा उद्देश गरीब उत्तरीय विद्यार्थी जे चांगल्या पद्धतीचं शिक्षण घेण्यासाठी आर्थिक अडचणीमुळे वंचित राहतात, म्हणून त्यांनी या विभागातल्या गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणाकडे ओढ निर्माण व्हावी याकरता वयांचं वाटप केलेलं आहे. मैं दिल से मुबारकबाद देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ राजू
रायन जी का, जिन्होंने ये सद्भावना वेलफेयर सोसाइटी का प्रोग्राम इस समय रखा है। इतने सारे बच्चों को स्कूल फीस, किताबें जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बच्चे हमारे देश का भविष्य है, इनका ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है और बड़ी ही जिम्मेदारी पूर्वक ही अपना काम निभा रहे हैं और उसको अंजाम तक ले जा रहे हैं। सोसाइटी की तरफ से जो आज ये बुक्स वाटप, सिलाई मशीन वाटप, छतरी वाटप और कुछ लोगों, कुछ बच्चों का फेलिटेशन करके उनको स्कूल की फीस देने के लिए किया है, राजूल्ला राइन साहब बहुत अनेक काम कर रहे हैं। सबसे पहला मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जब से पहले कांग्रेस में था, फिर 99 में मैं फाउंडर मेंबर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हूँ और 2005 में आपको मालूम है कि 2005 में 26 जुलाई बारिश बहुत भर गए थे पूरे पानी सब एरिया में, तो उस समय हमारे पार्टी ने नोटबुक और कंबल और अनाज कुछ बांटे थे, तो उसके माध्यम से हमने बांटे थे, पार्टी ने हमें दिए थे, तो वो एक सिलसिला चालू था। तो नेक्स्ट ईयर लोग बच्चे आए कि सर ये तो मिलेगा, और ये स्लम एरिया मैंने देखा है, बहुत सारे गरीब लोग हैं यहाँ और इलिटरेसी यहाँ बहुत है, यहाँ तक कि 80% इलिटरेसी है। तो इलिटरेसी दूर करने के लिए हमने एक कदम उठाया है और मैं बच्चे को खास करके, जैसे एक बच्चे को जब बच्चे से मुँह खोलते नहीं है तो हमारा एक तरीका है कि पहले बच्चे आते हैं, पहले उनके हाथ में चॉकलेट देते हैं तो बच्चे मुस्कुराते हैं, फिर वो पूछता है बच्चे आप क्या बनना चाहते हैं, तो कई बच्चे बोलते हैं कि अपना मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता है इंजीनियर बनना है, कोई बोलता है टीचर बनना है, कोई कहता है कि हमें पायलट बनना है, तो बोलो बेटा आप इतना कम मार्क्स लाए हैं तो कहाँ से बनेंगे, तो बोले नहीं सर मैं पढ़ूंगा, अभी आपने बोले पढ़ूंगा। तो हमें 12 साल हो गए और 12 साल में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब मुकाम हासिल किए हैं, एक अंकिता करके है हमारे, वो बच्चे हमारे एकदम बच्चे जैसे ही है और उन्होंने इंजीनियर बन के 40,000 की सैलरी उनकी चालू हो गई, तो मुझे बाप से कम भी बात है, बोले सर हमारे पिताजी ने हमें जन्म दिया लेकिन हमारा भविष्य आपने निखारा, तो ये है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मानना है और उन्होंने आदेश दिया था कि 80% सोशल वर्क कीजिए और 20% राजकरण, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ 100% सोशल वर्क करने के लिए। चाहती हूँ, मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैं एक बताना चाहती हूँ, आज मैं एक इंजीनियर हूँ, कंप्यूटर इंजीनियर, और मैं भी बचपन में जैसे ये बच्चे आते थे उनकी तरह ही आती थी। राजू सर जो है प्रेसिडेंट सद्भावना वेलफेयर सोसाइटी के, मैं आज उनको मतलब थैंक यू बोला, एक बहुत ही छोटा सा वर्ड होगा उनके लिए, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ मैं ये मानती हूँ कि उनकी वजह से, क्योंकि जब मैं 10th में थी तब मैं आई थी। आपल्या काही अडचणी किंवा समस्या असल्यास आम्हाला त्वरित संपर्क साधा 9222414555 दूरध्वनी क्रमांक 9930888555 पत्ता शिवनेरी न्यूज ब्रह्मा अपार्टमेंट शॉप नंबर 2 सुरेश नगर दिवा पूर्व। आमचे चॅनल तुम्हाला आवडले असल्यास तुम्ही आमच्या बातम्यांचा ऍप्स डाउनलोड करून घ्या, नक्कीच लाईक व सबस्क्राईब करा नवीन बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी। तर या होत्या शिवनेरी न्यूज। तुम्हाला आमच्याशी संपर्क साधायचा असल्यास स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकावर संपर्क साधू शकता। तर आता वेळ झाली निरोप घेण्याची, नमस्कार।